और जोर से हालेलुया। बालकनी वाले जोर से बोलो हालेलुया। नीचे वाले बोलिए हालेलुया। एक साथ बोलिए हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की इस आखिरी दिन की सभा में, हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु आज कुछ फिर से एक नया काम हमारे लाइफ में करने जा रहा है। हालेलुया। जो काम दो दिन में नहीं हुआ वो तीसरे दिन में होने जा रहा है। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? रेडी हैं? बगल वाले से पूछो रेडी हो कि नहीं। पूछो पूछो रेडी है कि नहीं भाई, तू रेडी है कि नहीं? उस बगल वाले को बोल तेरे लाइफ में आज कुछ नया होने वाला है। हिला के बोल उसको तेरे लाइफ में कुछ होने वाला है। आज तू वैसे का वैसा नहीं रहेगा, ये तीसरा दिन तेरी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। रेडी हैं? क्यों ना हम थोड़ी देर अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सब कोई खड़े हो जाइए। थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर हम टंग्स में प्रेयर करेंगे, स्पिरिट में दुआ करेंगे। करेंगे? यस नो यस। हालेलुया। चलिए हालेलुया। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर हम अन्य भाषा में दुआ करें, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। हो वर्शिप यू गॉड। रबा शतलबा रिकाताबा। शुरू करिए, शुरू करिए बोलना, बोलना शुरू करिए। सब कोई ऊपर वाले सब कोई बोलना शुरू करिए। लाब्रा शकलबा रिकाता रबा शतलबा लेब्रा सकतलबा सदलबा रबलबा रबा शतलबा रबलबा रबा लीबा सकलबा रिकातलबा शंदा लीबा रकतरबा शंदा। अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद दीजिए उसको। ओ, इन दो दिनों में उसने अद्भुत काम किए, इन दो दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। दुआ करिए प्रभु, बोलिए प्रभु आज तीसरे दिन में मेरे जीवन में कुछ होने दे, मेरे लाइफ में कुछ होने दे, एक बदलाव मेरे जीवन में आने दे। अगर दो दिन में नहीं हुआ तीसरे दिन मेरे जीवन में होने दे। आज मेरे लाइफ चेंज होने दे, आज मेरे लाइफ में बदलाव आने दे। कमान बोलिए ऊपर वाले भी, सब कोई बोलिए। थोड़ी देर भाषा में प्रार्थना करिए सब कोई। लाबा शाथा यहाँ वहां देखना बंद करिए, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। लुक टू जीसस एंड प्रे। लाबा साखा दीनामा शंदानामा लेबों तेने में शांदीना कामी अंदाना संतानामा रिकांता लाबा शंदालाबा लाबा शाखा लाबा रिका लाबा संदानामा लेबो शोटो लोबो रिका लाबा लेब्रो साखा लाबा रिका लाबा। जब हम स्पिरिट में दुआ करते हैं ओ हमारे लिए रेलम्स डायमेंशन ओपन होते हैं, आयाम हमारे लिए ओपन होता है। लाबा शंदानामा रिका लाबा शंदानामा लेखा तो लोबो शाथा लाबा रिका थालाबा शाथालाबा बाबा 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 सिखा थालाबा बाबा बाबा लेबारा कथाराबा शाथालाबा ओ राबा सकालाबा रिकालाबा लाबाबा शंतने में रिका थालाबा। ओ पवित्र आत्मा तेरा फ्रेश एनकाउंटर आज लोगों के साथ होने जा रहा है। पवित्र आत्मा एक मुठभेड़ आज तू अपने लोगों से करने जा रहा है। पवित्र आत्मा द्वारे के जीवन से बोलने जा रहा है। पवित्र आत्मा द्वारे के जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। लाखा बासा थालाबा रियान लाबा बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक कोई आज तेरे 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 मुठभेड़ को हाथों से लेने जा रहा है। हालेलुया। एक डिवाइन एनकाउंटर आज होने जा रहा है। आज एक डिवाइन मुलाकात आपकी परमेश्वर से होने जा रही है। रबा शाखा नामा ले बारा खाता रबा शियांदा लाबा लेखो थोरो बो शियांदा लाबा रिखा लाबा ओ शांदा लाबा बाबा बा शाखा लाबा लिब्रा हसा खाबा रिखा चालाबा संतने बेरियांदा लाबा बाबा बाबा बा ओ रिखा बाबा बा शांदा लाबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में चलने जा रहा है। परमेश्वर हमारे बीच में मूव करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे बीच में वॉक करने जा रहा है आज। लाखा बा सांता लाबा बा रिखा लाबा स्वर्ग से एक फ्रेश आग आज स्थान में उतर के आने जा रही है। ले ब्रो शता बा खाता राबा सीता लाबा रियांदा लाबा शंदा लाबा ले ब्रो सकाता राबा रिखा दालाबा। पवित्र आत्मा इस जगह को हम तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं। लाइट्स और साउंड को तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं। इस एटमॉस्फियर में तू मूव होना शुरू कर रहा, इस एटमॉस्फियर में तू चलना शुरू कर रहा, इस एटमॉस्फियर में तू अपने कदम बढ़ाना शुरू कर रहा। लेखा ब्राखा थालाबा सेठे लाबा ले ब्रोशा थालाबा रिखा थालाबा ले ब्रोशा खालाबा रिखा थालाबा। स्वर्दूतों की सेना यहाँ पर मूव करने
पाए, स्वर्गदूतों की सेना यहाँ पर चलने पाए, चारों तरफ स्वर्गदूतों की सेना हमको प्रोटेक्ट करने पाए। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, एक एक व्यक्ति एनकाउंटर को लेकर जाने पाए, एक एक व्यक्ति आतुस से मिलकर जाने पाए, एक एक चेयर्स में तेरी महिमा उतरने पाए, लाबासाखा एक एक चेयर्स तेरी महिमा से आज भरने पाए, लाबासाखा नमा रिका नमा शंडेने में रिका तलबा श्यंदा लबा लेप्रोसो को तोलो बोर रिका तबाबा। हम आत्मा में दुआ करिए, आत्मा में करिए, लाखा बासाखा तबा लेबाना शका तबा लेबाना सका तबा लेबाना सका नमा लेबाना शका नमा। हम यहाँ मनुष्य को देखने नहीं आए हैं, हम परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। अपने पड़ोसी को देखना बंद करिए, परमेश्वर को देखना शुरू करिए, स्वर्गदूतों को देखना शुरू करिए। लबा शांति ने बाव कटा लबा ले बारा कटा लबा श्या कटा लबा ले ब्रोशा कटा लबा रिका लबा ले बारा बा लबा रबा बीट बीट लबा शका लबा रिका कटा लबा लबा रा कटा लबा शका लबा लबा रा कटा लबा सका लबा। दुआ करिए, दुआ करिए, लबा शता लबा लबा शता नमा लबा शता नमा लबा शता नमा लबा सका लबा रेखा तरबा सोटो रबा। आज हर एक कोई एक्सपीरियंस करने पाए, पवित्रात्मा हर एक कोई अनुभव करके जाने पाए। यस फादर हालेलुया ले ब्रोशा तबा कतरबा ले ब्रहासा तबा रेखा तलबा। अगर कोई निराशा में आया है, आज वो आशा को पाकर जाने पाए। अगर कोई अशांति लेके आया है, आज वो यहाँ से अलौकिक शांति को लेकर जाने पाए। अगर कोई निराशा में आया है, वो आज यहाँ से अलौकिक आनंद को लेकर जाने पाए। अगर कोई बीमारी लेके आया है, यहाँ से इसी समय वो चंगाई को लेकर यहाँ से जाने पाए। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shabala katara bari katala ba. हम प्रार्थना में जाएंगे, हम दुर्गेश के साथ प्रार्थना करेंगे। We worship you, God. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, praise you, Lord. Raba shala hathala namariya thala raba shokoto. Thank you, Lord. I praise you, Lord. I love you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी शांति के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी भलाई के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज हम जीवितों में हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज इस स्थान में तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर मंडरा रही है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा का बादल यहाँ घेरे हुए है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ खुदावन आपका पिता परमेश्वर स्वर्ग इस स्थान में खुल गया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है पिता परमेश्वर, जो नाम सब नामों में ऊंचा वो नाम यीशु तेरा नाम है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए खुदावन पिता, इस स्थान में पिता परमेश्वर
खुदावन तेरी उपस्थिति कार्य कर रही है पिता परमेश्वर। ओ पिता तूने चार सेशन में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति का परिणाम हमें दिखाया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे चिन्ह और अद्भुत कामों को तूने अपने दास के द्वारा दिखाया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं खुदावन परमेश्वर, हर बातों को तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदावन यहाँ जो वर्शिप होती है खुदावन परमेश्वर पिता, ओ प्रभु लोगों के कानों को खोल पिता परमेश्वर, उनके हृदय को खोल खुदावन परमेश्वर, प्रभु तेरी आवाज को ओ परमेश्वर आराधना के द्वारा सुनने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी उपस्थिति हर एक को पिता परमेश्वर स्पर्श करने पाए पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आज तेरा अद्भुत जलवा हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु हम स्वर्ग को खुला हुआ देख रहे हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर खुदावन आज आप सभी से बोले और बातें करें खुदावन परमेश्वर, जितने यहाँ आए हैं खुदावन परमेश्वर हर एक का हृदय यीशु के नाम में खुल जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू आप परमेश्वर पिता आप हर एक से बोले और बातें करें खुदावन परमेश्वर पिता, आज पिता परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में इस स्थान में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत काम को हम देखने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जो आराधना इस स्थान में होती है परमेश्वर वो तुझ तक पहुंच रही है पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक चीजों में हर एक बातों में तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तू कार्य कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बच्चों से अपनी महिमा ले पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, बच्चों से बोल और बातें कर खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। को उठाकर कहें थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आज की शाम के लिए धन्यवाद। आज की शाम तो हम में से प्रत्येक से बोलने जा रहा है और बातचीत करने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा से कनेक्ट होंगे, होली स्पिरिट का वेलकम करेंगे। चार सेशंस में खुदावन तेरी महिमा को तूने हमें दिखाया है लॉर्ड, तेरे स्वाद को हमने चखा है लॉर्ड, तुझे देखा है, तेरी सुंदरता को निहारा है लॉर्ड, इसलिए आज की शाम हम तुझे धन्य कहते हैं, धन्य 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 कहते हैं लॉर्ड। चढ़ाते हैं बंदे
आज की शाम हम अपनी स्तुति रूपी भेंट, धन्यवाद रूपी भेंट, आराधना रूपी भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। हाथों को उठाकर कर
के जैसा कोई
पास्टर विजय से हमने सीखा है वाओ, क्या ना हम सब करेंगे वाओ। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर मौसम के लिए, धन्यवाद। कितने लोग आज खुश हैं? हाथ को ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं करना है। अब अपने आस पड़ोसी में देखें किसका हाथ ऊपर नहीं है। देखो देखो आजू बाजू में देखो किसके हाथ ऊपर नहीं है, और पूछे उनसे, भैया क्यों खुश नहीं हो? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में तो आनंद की भरपूरी है। आमेन, आमेन। कितने लोगों ने इन चार सेशंस में कुछ पाया है? परमेश्वर ने आप सबको कुछ दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्यों ना आज हम उसको धन्यवाद देंगे, नाचते हुए गाते हुए, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, उस प्रकार से आज हम नाचते हुए आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। आमेन। कितने लोग रेडी हैं? Stay now.
मजा नहीं आ रहा है। कितने लोग पैर लाए हैं साथ में? लाए हैं? सुनाई नहीं आ रहा है। लाए हैं पैर? तो प्रभु ने पैर दिए क्यों हैं भैया? क्यों दिए हैं? उसके लिए, नाचने के लिए दिए हैं। आमेन। कौन कौन दुखी है आज? कोई दुखी है क्या? दुखी है तो प्लीज प्लीज मुझे ज्वाइन करो यहाँ पे। कोई है दुखी यहाँ पे? नहीं है? आखिरी बार नाचते हुए, हंसते हुए यहोवा के लिए, यीशु मसीह के लिए, हमारे प्रेमी के लिए, हमारे राजा के लिए, हमारे दुल्हे के लिए हम नाचेंगे। आमेन। यहोवा हमारे संग संग है, नामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, नामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जय जयकार करे, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार।
जितने छोटे बच्चे हैं कुर्सी के ऊपर से उठेंगे, नहीं तो माता पिता अपनी गोदी में लेंगे। बड़ों का आदर करना हमें बाइबल सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी जगह किसी को देना सबसे आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। किसी के लिए जगह खाली करना बहुत उत्तम है। हालेलुया। बोलिए हम ऐसा ही करेंगे। हम मनुष्य को प्रसन्न करने नहीं मगर खुदा को प्रसन्न करने आए हैं। हालेलुया। और बुजुर्ग खड़ा होगा तो मैं जवान बच्चों को उठा के यहाँ बैठाऊंगा, तो वो लोग बिना बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। ओके, लेट्स गो। कितने लोग और स्तुति करना चाहते हैं? थक गए? थक गए ना? नहीं थके? और स्तुति करेंगे? वाओ। आइए, समय होगा ऑफरिंग का। हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएंगे। सब नामों से ऊंचा है, मैन सब नामों में श्रेष्ठ है। विश्वास करते हैं।
ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु शैतान झुके वही नाम की जय जय करे उस नाम से ये जमाना झुके उस नाम को सलाम करे आवाज में
कलीसिया बैठ सकती है। अपने छाती पे हाथ रखकर सच में बोलिए, हृदय की गहराई से, कि तुम सा कोई नहीं है प्रभु, तुम सा कोई नहीं है यीशु, तुम सा कोई नहीं। ओनली यू आर माय लॉर्ड, only you are my savior, pure brahmand mein tum sa koi nahi hai, boliye आप ही मेरा जीवन हो, यीशु आप ही मेरा जीवन हो, यीशु आप ही मेरी तंदुरुस्ती हो, आप मुझे चंगाई देते नहीं, यीशु आप ही मेरी चंगाई हो, आप बुद्धि देते नहीं प्रभु, यीशु आप ही मेरी बुद्धि हो, तुम सा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं है, उसकी उपस्थिति हमें छू रही है। बहने दीजिए अपने आंसुओं को, यहोवा अपनी कुप्पी लगा के रखा है, एक भी बूंद नीचे नहीं टपकेगी, बोलिए मैं आपकी दुल्हन हूं, मुंह खोल के बोलिए प्लीज मैं आपकी दुल्हन हूं, आज मुझसे बातचीत करिए, आप क्या चाहते हैं, वैसा मुझे चलाइए, हाथ उठाकर बोल सकते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से आपका मैं सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अब लगने लगा है चल छोटा हो रहा है, हमारे पास 40 सीटर इधर है, 40 सीटर इधर है, अगली बार ये आपको टूटा मिलेगा, 80 सीटर्स और बढ़ेगा, प्रभु ने चाहा तो पीछे भी बढ़ेगा, मगर ये हमें मालूम है, ये हमारा दर्शन है, अब भीड़ चर्च में नहीं समाएगी, अब भीड़ मैदान में आएगी, चर्च का समय खत्म होने वाला है,
अब चर्च मैदानों में लगेगा। पता है किसके द्वारा होगा? एक बार छाती पे हाथ रख कर बोलो ना, मेरे द्वारा होगा। बोलो ना, सिर्फ मेरे द्वारा होगा, क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूं। बारिश होगी, शुक्रिया करता हूं उस खुदा का। विगत 20-25 दिनों से हम लोग ने आंसू बहाए, कलीसिया घुटने पे आई, भोर को, रात को, दिन को, बगल वाले को बोलो ना, कोई सुनता है, कोई सुनता है, और सुनता ही नहीं जवाब देता है। आप यहां 350-400 लोग नहीं हो, एक 1,000 के बराबर है। और मेरा रियल दर्शन है, हर घर प्रेयर टावर हो, हर घर मिरेकल हाउस हो, हर घर हीलिंग सेंटर हो, यह अंतिम रिवाइवल है। मैं बड़ी नम्रता के साथ घुटने टेक कर उस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही तमाम जो बाहर से आए हुए विश्वासी हैं, जो खूबसूरत चेहरे हैं, कलीसिया की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूं। करिश्मा फैमिली फेलोशिप चर्च आप सबको शुक्रिया कहता है। इस मीटिंग ने कुछ चीजें मुझे धक्का दे दी। मैंने चर्च में जब पैसे के विषय में बोला, चर्च खत्म हो गया, एक लड़का मेरे पास आया, ये बैठा है, ये कम हियर पास में रहता है, आया पैसा लेके आया। मैं बोला कहाँ से लाया, तो बोला गुल्लक फोड़ दिया। इसके शब्द ने मुझे उसकी उपस्थिति से भर दिया। आप कह सकते हैं किसी ने देखा सबको, मगर किसी ने बड़े गौर से देखा इसको। एक और लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया। कहाँ है वो बच्ची? कचना से आती है, उषा वर्सेस। इसने मुझे एक लिफाफा दिया, ये 10वीं पढ़ती है, मेरी बेटी की बेटी है। रात में हमने लिफाफा खोला, उसमें 2,500 रुपए थे। मैंने कहा इस लिफाफे को रखो। मैंने कहा 10वीं क्लास पढ़ती है, इतना पैसा कहाँ से लाई? दूसरे दिन ये आई, मैंने पूछा इतना पैसा कहाँ से लाई? बोली मैं मेहंदी लगाती हूँ और उससे मैंने पैसा कमाया है,
और उससे 2,500 रुपए खुदा दे। पास्टर जी, मेरा हृदय आनंद से भर गया कि कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी। कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने खुदा के लिए दिल रखते हैं। वो बंगला नहीं देखता, गाड़ी नहीं देखता, पैसा नहीं देखता, दिल देखता है। मैं आपसे नहीं मांग रहा। मूसा ने कहा पूरा हो गया बजट, मैं भी कह रहा हूं पूरा हो गया बजट। नाउ नो नीड टू गिव। पहली बार आए शायद ऐसे चर्च में। नाउ नो नीड टू गिव। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। शाम से आंसू नहीं रुक रहे। कल रात को बहुत देर हो गई। ये भी था, मैं भी था, ये भी था। ऐसा अभिषेक था। अगर मुझे फोन नहीं आता तो शायद हम सारी रात वहीं बैठे रहते। उसकी उपस्थिति में ठहरना आनंद की बात है। इसलिए हाथ उठाकर उस खुदा को धन्यवाद दीजिए। आज मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। मैं और प्यासा हूं, मैं और प्यासा हूं। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मुझे रोटी भी चाहिए और जल भी चाहिए, और चाहिए। साथी आदरणीय मिस्टर मिसेस पासवान नाडर जी का सारी कलीसिया की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और यही कहता हूं, अपने हाथ को बढ़ाकर कहिए, यही कहता हूं, देश देश के लोग तुम दोनों को देखकर कहें ये यहोवा के हैं। यीशु के नाम से आमीन। चारों बच्चों का वी ऑनर, वी रिस्पेक्ट। शायद अय्यूब 8:7 है बॉबी, अय्यूब 8:7 है शायद। Yes, read it. Book of Job, chapter 8 and verse 7. उसमें चार लिफाफे निकालो। कम 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 कम। Yes. हाँ, yes. चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत। चाहे तेरा भाग अभी छोटा ही क्यों ना हो, अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। धन है जो भूखे तो वो तृप्त किए जाएंगे। आइए अपना हाथों को बढ़ाइए।
अय्यूब कहता है, वो जवानी के दिन थे, 29:4 में लिखा है, वो जवानी के दिन थे कि यहोवा का डेरा मेरे घर में था। ये जवानी के दिन है कि खुदा का डेरा आपके घर में है। मैं यही कहूंगा, आत्मिक उन्नति करते हुए बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर आपकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, आपके भीतरी मनुष्यत को बलवान करे और आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ सहित परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यीशु के नाम से आमीन। पास्टर साहब आइए, कहाँ है लिप? द स्मॉल टोकन ऑफ लव ऑफरिंग। मेरा आत्मिक पिता भाई एसआर मनोहर हैं, उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते थे हम लोग, वो ट्राली लेके, नहीं उस समय ट्राली नहीं थी, ऐसा वाला बाइक, वो एयरपोर्ट से अंदर घुस जाते थे। हम लोग 3-4 लोग रहते थे, तब बात करते थे, गुरु तो जा रहा है, चाय के लिए पैसा है क्या? मैं अक्सर बोलता था, अभी जाएगा तो देखूंगा, अभी वो उड़ रहा है, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। तो वो तीनों मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर जैसा देखोगे वैसा होने लग जाएगा। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, ताली बजाइए। मिस्टर जेवियर हैं, द सीनियर मैन ऑफ दिस चर्च, प्लीज कम। मुझे नहीं मालूम मीटिंग का अंत कैसा होगा, आई डोंट नो। पता चला कोई उठे गई नहीं यहां से। प्रभु का खादिम जिसके ऊपर अभिषेक है, हालेलुया हालेलुया, हम यीशु के नाम से उन्हें आमंत्रित करते हैं, दोनों जन को आमंत्रित करते हैं। जोर से उस अभिषेक के लिए ताली बजाई है। आज एक बार हृदय की गहराई से तो कह दो, ये और ये अभिषेक मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आज की शाम के बाद मैं भूखा हो जाऊंगा, मुझे भी चाहिए। आज की शाम के बाद मेरे कमरे के मेरा कमरा भी बंद हो जाएगा, मुझे वही अभिषेक चाहिए। आपको नहीं मालूम मैं गिड़गिड़ाया हूं, मुझे भी चाहिए। दिस द लव टोकन फ्रॉम द चर्च। संडे स्कूल के बच्चे नीचे जाएंगे, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर अनन्य भाषा बोलिए ना,
शबा खला रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रटा लरा बाबा 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 शेखा लरा बाबा 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 रिम्बा बाबा 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 अरे बोलिए रे बे 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 रे भले बे शेखे तेरे बेखले बे होले यीशु तेरा नाम अपने हाथों को उठाइए यीशु तेरा सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम अपने हाथों को उठाकर सबसे गाइए सबसे ऊंचा है पूरे दिल से गाइए यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है फिर एक बार यीशु तेरा नाम ओ फिर एक बार आपकी जय जयकार सबसे ऊंचा है दिल खोल कर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है सारे यीशु के प्रेमी अपनी आवाज को उठाकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा अपने हाथों को उठाकर सबसे ऊंचा है खराबा मामा सुखो मरा सरबहला खरा सरबहला खरा हाथों को उठाकर एक नया गीत एक नया गीत एक नया गीत आनंद से फिर एक बार यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है गर्व से गर्व से गर्व से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है सरा खबना मरा सुखो रथना गर्व से कहो यीशु तेरा नाम हर नामों से ऊंचा ये सुंदर नाम यीशु तेरा नाम प्यारा नाम सबसे ऊंचा यीशु नाम Kama, Kereba 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 Kama, जब तक मूसा ने अपने हाथ को उठाया था इज़राइल जीत रहा था
आज आप जीत रहे हो, अपने हाथ को उठाइए, ये आत्मिक युद्ध आप जीत रहे हो। रखा 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 तेरे दुश्मन हार रहे हैं, अपने हाथों को उठाइए। आमेन। सांपों को और बिच्छुओं को रोंदा जा रहा है, 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 रोंदा जा रहा है। कोई नया गीत गाइए, कोई जय जयकार की घोषणा कीजिए। धर्मियों के तंबू में मशंदरारा मंदा जय जयकार का आवाज हो। आमेन। रोंदिए अपने पैर का इस्तेमाल कीजिए, प्रेयर का इस्तेमाल कीजिए, पैर का इस्तेमाल कीजिए, पैरों का इस्तेमाल कीजिए, विश्वास से रोंदिए, रोंदिए रोंदिए फिर उठाइए। सांपों को बिच्छुओं को रोंदिए रोंदिए सांपों और बिच्छुओं को रोंदिए पैरों तले। खराबा 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 आग लग रही है, उसकी आग लग रही है, उसकी आग लग रही है, आत्मा की 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 आग लग रही है, फायर Shikera malamande anana mandei ribara mandana ne mandei rondie 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 masantara rabandana masandana nama tere dushman ko tu kuchal raha hai तेरे दुश्मन को तो कुचल रहा है, तेरे दुश्मन की ताकत
तेरे दुश्मन की ताकत उसे प्रभु काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, और तेरी ताकत बढ़ रही है, तेरी ताकत बढ़ रही है, तेरी ताकत बढ़ रही है, तेरी ताकत बढ़ रही है। Clap your hands. Clap your hands. ताली बजाते हुए. And pray. और प्रार्थना करो. प्रार्थना करो. ताली बजाते हुए प्रार्थना करो. Psalm 75. भजन संहिता 75. And verse 10. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. बाकी के लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. आप लोग पास्टर हो ना, एक नया अभिषेक आ रहा है, एक नया अभिषेक आ रहा है, नए धर्मी कपड़े स्वर्ग से तेरे ऊपर गिर रहे हैं, एक नया अभिषेक आ रहा है. खबा 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 फायर. दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा. वाह, वापस पढ़िए. दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा. वाह, वो कमजोर हो रहे हैं. तेरे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, तेरे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, उसकी ताकत को काटा जा रहा है. नारा, थोड़ी जय जयकार की घोषणा हो यहाँ पर. फ्रेश फायर, ताजा 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 अभिषेक, ताजा अभिषेक, एक ताजा अभिषेक. सेखे बाहर आ रहा रब के माथो लो बाहर था का बाहर मागे बागा. तेरा दुश्मन बीमार हो गया है, तेरा बीमार, तेरा दुश्मन बीमार हो गया है, उसकी ताकत प्रभु ने काट दी है. तेरा दुश्मन बीमार हुआ है, तेरे प्रभु ने उसकी ताकत काट दी है. फायर फायर फायर. गाबान ठाका, ये आपकी बेटी है क्या? उसे बुलाओ, आज उसका दिन है. और आगे क्या बोल रहा है? परंतु धर्मी के सिंह, परंतु परंतु परंतु, लेकिन लेकिन, यहां देखो, यहां देखो, हेलो, यहां देखो, मेरे आंखों में देखना, यहां मत देखो. यस, मेरे आंखों में, मेरे आंखों में देखो. लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी ओर देखो. यू विल गेट व्हाट यू रिक्वायर टुडे. आपको जो जरूरत है वो आज आपको मिलने वाला है. यस, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, तुम्हें मिलेगा. लुक एट मी, मेरी ओर देखो. मसाका मसाका, तेरा दुश्मन बीमार हो गया है, तेरा दुश्मन बीमार हो गया है, तेरे आत्मिक दुश्मन बीमार हो गए हैं. वो हथियार उठाएंगे लेकिन चला नहीं सकेंगे. हथियार उठाएंगे लेकिन चला नहीं पाएंगे, हथियार उठाएंगे लेकिन चला नहीं पाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. ए साजा ला ब्रह्मा सका बाबा 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 बाथो तो नमा सते को माका बाथो लो बाहा सेके बाथो नराका यसुता ला बाका बाथो यसुता काबा. ए यहा 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 फायर. Fire!
Garabatuna makabatala Yasata. Be baptized in the Holy Spirit. Ke rasota kaba. Lift your hands. Apne haath uthaiye. Lekin. Parantu. Dharmi ke singh unche kiye jayenge. Teri taakat badh rahi hai. Hallelujah. हर एक क्षण में प्रभु तेरी ताकत बढ़ा रहा है तेरी ताकत बढ़ रही है आमीन 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 तेरी ताकत बढ़ रही है हालेलुया मसाका मारा बेरे का माथोला राबा उसे के महारा थोला बाका माथोला राहा या का माथोला राबा सोतो मारा का Get me that quickly. Sakamato Larabaha. Give that to me. Fire! 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 Kapasata kapata lava. Give it. Yasata Marasoko Yanto Kabasoko Maraka. Fresh fire. पास्टर जी अभिषेक बढ़ रहा है ये लो और एक लो जेके महा Fire! परंतु प्रभु ने उसकी ताकत बढ़ाई परंतु धर्मी की ताकत बढ़ाई प्रभु ने और तेरी ताकत बढ़ रही है Zakamanto Garama Kebantala. Yeah.
keep your child with you. Just call her, tell her to be acha. तैयार हो? तेरे शरीर में आज से एक नई ताकत, नई बल. कोई हमें नहीं बोल रहा है, तेरे बीमारियां जा रहे हैं यीशु के नाम में, जा रहे हैं यीशु के नाम में, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, वो जा रहे हैं. नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत तेरे शरीर में नई ताकत, तेरे शरीर में नई ताकत. पास्टर जी प्रभु कह रहा, आप प्लान करो, आप अगले 5 साल के लिए प्लान करो. आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अगले 5 साल के लिए प्लान करो. ये लो, यीशु के नाम में लो. खारा बासो तो माखा खेरा बाखा बासा था. थोड़ा ताली बजाइए और प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना कीजिए. The Lord says, प्रभु कह रहे, because you received me, क्योंकि तुमने मुझे स्वीकारा, so shall you receive my reward, says the Lord. वैसे तुम मेरा इनाम भी ले लोगे. Savior, fire, kama na saka. ताकत तेरे शरीर में, तेरे शरीर में ताकत, तेरे शरीर में ताकत, तेरे शरीर में ताकत. सुनना चाहते हो? पैसे में प्रभु तुझे नई ताकत दे रहा है. आमीन, आमीन. ओ कम कम तेरे पैसों में प्रभु तुझे नई ताकत दे रहा है, नई ताकत दे रहा है. तेरे पैसों में तुझे नई ताकत दे रहा है. जो तू खरीद नहीं सका ये साल, अगले साल तू खरीदेगा. मासा के मांडा बाहा, न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत, 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 न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत. आज तक पाप गिराता था ना तुझे, लेकिन प्रभु कह रहा मैं तुझे नई ताकत दे रहा हूं. आमेन. वो जो पाप तुझे खींच कर नीचे गिराता था ना, वो अब तेरे सामने झुकेगा. आमेन. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत,
नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत. A new strength of God is flowing in your प्रभु की नई ताकत आपके अंदर बह रही है. A new strength is flowing. एक नई ताकत बह रही है. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे प्यारा है मीठा है. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा ओ ये यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर अपने हाथों को उठाकर मैं हाथ उठाकर ये Yes, yes. Yeshu tera naam rahe ucha. Yahan dekhiye, yahan dekhiye. Tere takleef aaj se tujh par jay nahi payenge. Amen. Tere takleef tujh par jay nahi payenge. Amen. Kyunki prabhu tujhe ek nayi taakat de raha hai. उसमें डूबेगा नहीं तू चीरता हुआ बाहर आएगा यीशु के नाम में. नई ताकत, नई ताकत, नई ताकत. हालेलुया, हालेलुया. अ न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत. अ न्यू स्ट्रेंथ, एक नई ताकत. अ न्यू स्ट्रेंथ, 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 नई ताकत. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. प्रार्थना कीजिए. Psalm 3:7. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. संहिता 3 में 7. प्रार्थना कीजिए. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. प्रभु कुछ दे रहा है आपको, दे रहा है, दे रहा है. लो 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 सुनिए. उठ हे यहोवा. बस बस बस. हे प्रभु उठ खड़े हो जा आज. आमेन. आमेन नहीं बोलते हो. हे प्रभु सिंहासन को छोड़कर उठ खड़े हो जाओ. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे प्रभु उठ खड़ा हो जा प्रभु. आमेन. उठ खड़ा हो जा प्रभु.
Masaka ra 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 ra. स्वर खुला हुआ है, स्वर्ग दूत यहां पर है, वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। जैसे यीशु को मजबूती दिया 40 दिन के बाद गतसमनी के बगीचे के अंदर, वैसा ही इस वक्त प्रभु के स्वर्ग दूत तुम्हें ताकत दे रहे हैं, ताकत दे रहे, 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 स्वर्ग दूत ने एलाइजा से कहा ये रोटी खा 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 और ये पानी भी पी और फिर चलना शुरू कर 40 दिन बिना रुके बिना बैठे बिना थके 40 दिन ये व्यक्ति चला, यही ताकत होती है। हालेलुया मसाका और यही ताकत प्रभु तुझे दे रहा है 2024 के लिए। यही ताकत प्रभु तुझे इस वक्त दे रहा है। गंठा खा पाथा पाखा गंठा खा बाथा खा बाथा खा गंठा खा बाथा खा बाथो राथा यासुथु बाखा बाथा खा बाथा यथु खा बाथो ला बाखा बाथो या थुथु थु बाखा बाथो लारा या सुथा का बाथो लारा सो ये के रासो थो लारा का वो उठ हे यहोवा हे मेरे परमेश्वर। हाँ एक बार फिर एक बार उठ हे यहोवा हे मेरे परमेश्वर फिर एक बार उठ हे हो प्रभु उठ खड़ा हो क्योंकि आपने मेरे लिए कुछ करना है आज। उठ खड़ा हो प्रभु उठ खड़ा हो आज रात के समय आपने मेरे लिए कुछ करना है प्रभु आज रात के समय आपने मेरे लिए कुछ करना है मेरे परिवार के लिए कुछ करना है मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है मेरे पति के लिए मेरे पत्नी के लिए कुछ कर प्रभु मेरे कलीसिया के लिए कुछ कर मेरे शहर के लिए कुछ कर मेरे इस राष्ट्र इस राज्य छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर। पंथा का पदाथा पराखा पथा नमा पंथा का परासो थोबाखा पथा का बाथोल राखाबा यसुथा का बाथोल राखाबा यसुथा का बरासो थो काबा ये के रासुथा का बरासो थो ये यराथा का बाथोल राखाबा प्रार्थना बोलिए बोलिए आगे बोलिए उठ उठ हे यहोवा हे मेरे परमेश्वर हे मेरे कौन परमेश्वर मेरा 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 है मेरा है, मेरा है यीशु के कारण वो मेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर है सृष्टि करता वो मेरा परमेश्वर है। उठ खड़ा हो जा प्रभु हे मेरे परमेश्वर उठ खड़ा हो और क्या करे मुझे बचा ले हाँ क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। जब प्रभु चाटा मारते हैं ना फिर कोई वापस उठेगा नहीं। आमेन। आमेन।
जब प्रभु चाटा मारते हैं ना, फिर कभी वो दुश्मन तेरे नजर नहीं आएगा। आमीन। अपनी आवाज उठाकर प्रार्थना करो, हे प्रभु, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, और मेरे दुश्मनों को लाल समंदर आगे, मिस्र की सेना पीछे, बाजू में पहाड़, रो रहे थे लोग, मूसा भी रो रहा था। प्रभु ने कहा, रो क्यों रहा है, छड़ी है ना, उठा। ये जो दुश्मन तू देख रहा है ना, ये आखिरी समय तू देखेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितना महान है प्रभु। बैठना नहीं है, खड़े होना है। सबसे है प्रभु, अपने हाथों को उठाइए। सबसे सबसे महान है प्रभु। कितना महान, कितना महान है प्रभु। सबसे 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 महान, सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। तेरा नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू ही योग्य, तू ही योग्य सारी स्तुति का, पूरे दिल से, पूरे दिल प्रभु। कितने लोग विश्वास कर रहे हो कि इस वक्त प्रभु आपके दुश्मनों को विश्वास कर रहे हो? मैं आपको कुछ करने बोलने वाला हूं। जब प्रभु हमारे लिए कुछ करता है ना, तो हमने भी कुछ करना है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आपका आमेन बहुत कम आया। धन्यवाद का भेंट यानी आपको पता है प्रभु ने चार झापड़ लगाए तेरे दुश्मन को, वो फिर कभी उठने नहीं वाले यीशु मसीह के नाम। सुनो, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, प्रभु उनके दांत तोड़, प्रभु उनके दांत तोड़ है क्या? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, हाँ, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। अच्छा पास्टर जी, दांत तोड़ना है ना क्या? उनका जो प्रभाव है ना, Amen. उनका प्रभाव, Amen. उनका प्रभाव, yes. उसे प्रभु निकाल ले रहा है। Amen.
मैंने कहा ना तेरे दुश्मन बीमार गिर रहे हैं, मैंने कहा ना तेरे दुश्मन बीमार गिर रहे हैं, मैंने कहा ना तेरे दुश्मन बीमार गिर रहे हैं, क्योंकि प्रभु उनके दांत निकाल रहा है। सारे दांत निकाल लिए प्रभु ने। अब तेरे दुश्मन बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज नहीं आता है, 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 आवाज नहीं आता है। Come on! Yes! बचा! खबा बाबा बाबा खबा थोला बाग खे बारा सोतो खबा खंधा खबा सोतो या ठेक फ्रेश ताली बजाइए, ताली बजाइए, नया अभिषेक, नया अभिषेक, अ फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा अभिषेक, फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा अभिषेक, फायर, आग, 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 fire 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बल पा रहे हो, बल पा रहे हो। बल पा रहे हो, बल पा रहे हो। बल पा रहे हो, बल पा रहे हो। एक नया बल, एक नया बल। एक नया बल, एक नया बल। एक नया बल, एक नया बल। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। फायर 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 सोखो बाबा 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 का सो ये या फिर से हुआ कबर सादे फिर से तूफान ये सारे बच्चे तैयार हो जाइए फिर से फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान यस 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 महिमा से यस 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 से तू अभिषेक कर दे आप पवित्र आत्मा आवाज उठाइए दिल को उठाइए बहने दे बहने दे उस हवा को वो Fire!
अपने हाथों को उठाइए। तेरे आंसुओं को निकाल कर प्रभु तुझे थोड़ा सा आनंद दे रहा है। बहुत रोना हुआ बच्चे, ले 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 ले, उसको दे उस बच्चे को। हाँ, तेरे हाथ में 2 मिनट रख ले, अपने हाथ को उठा। पता है दानियल में लिखा है, दानियल 2:21 में, वो मौसमों को बदलता है और तेरा भी बदल रहा है। प्रभु तुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, कह रहा है मेरे बेटिए, मेरे बेटिया, तेरा मौसम बदल रहा है, तेरा मौसम बदल रहा है, 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 तेरा मौसम बदल रहा है, 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 बदल रहा है। Psalm 92:10 भजन संहिता 92 में 10, अपने हाथों को उठाइए। Psalm 92:10 रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख लीजिए बाद में। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। गाते 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 2024 निकल जाएगा। आमीन। गाते 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 तेरे प्रभु के साथ 2024 निकल जाएगा। Psalm 92:10 हाथों को उठाइए। थक गए आप। हाँ, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। नया दिन है, नया मौसम है, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है वही हो रहा है। तेरे सर के ऊपर नया तेल डाला जा रहा है, ताजा बनाया गया, ताजा ताजा फ्रेश। बढ़िया। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। वाह, मैं टट के तेल से चुपड़ा गया हूं। वाह, आज तक तू पीछे हटता था ना, अब तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तेरे सिंग में ना प्रभु ने तेल भरा है। Amen. आत्मा का तेल तेरे सिंग के अंदर भरा है। Amen. और तेरी ताकत बढ़ रही है। Amen. तेरी आदत ये थी कि पीछे जाना, लेकिन प्रभु कह रहा आज से तू पीछे नहीं जाएगा, इन सिंगों के द्वारा तू आगे रोनते हुए जाने वाला है। उठाइए, हाथ को उठाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। तेल की कुप्पी प्रभु ने खोला है,
यीशु जी ने तेल की कुप्पी खोला है और तेरे सर के ऊपर वो तेल डाल रहा है, वो तेल डाल रहा है। एक जंगली सांड के जैसे तू ताकतवर बन रहा है, एक जंगली सांड के जैसे तू ताकतवर बन रहा है। जो तुझे पीछे ढकलता था अब से वो तुझे पीछे नहीं ढकलेगा, तू आगे 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 आगे। फिर से वो फिर से फिर से वो आग बरसा दे। ओ यस, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से। ओ यस, पवित्र आत्मा पुकारिए 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 पुकारिए। लूका 11 और 13, लूका 11 और 13, यीशु ने कहा तेरे जो पापा है ना बुरे है लेकिन अच्छे तोहफे देते। आमेन। मैं तेरे पापा से और अच्छा हूँ। आमेन। तो अगर तू मुझे पवित्र आत्मा मांगेगा ना तो मैं तुझे पवित्र आत्मा ही देने वाला हूँ। आमेन। तो आज का दिन तुझे पवित्र आत्मा प्रभु दे रहा है। मांगिए तो मिलेगा, मांगिए तो मिलेगा, मांगिए तो मिलेगा, मांगिए। अपने हाथों को उठाइए, मांगिए प्रभु से, कहना मुझे पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु। खामारा सोखो, मांगिए 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 मांगिए। बालका 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 बालका। मांगिए 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 मांगिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मांगिए 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 मांगिए। अपने आवाज को उठाइए उठाइए, मांगिए 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 मांगिए। ये ले ये ले। मांगिए 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 मांगिए। पवित्र आत्मा के लिए पिता से कहो मुझे दो मुझे दो मुझे दो
मुझे चाहिए अभिषेक चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, मुझे 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 नया अभिषेक चाहिए प्रभु। Come walk with me slowly. It's good to be drunk. Good to be drunk with the Holy Spirit. Good. Very good. Good to be drunk. Good. 2024 ना प्रभु चाहता है कि आपका जीवन ऐसा हो कि आप पवित्र आत्मा से इतने भरे रहो कि आप अपने आप के बारे में भूल जाते हो, आप भूल जाते हो आप हो कौन, क्या हो आप, आप वो भी भूल जाओगे, हो कौन आप, आप वो भी भूल जाओगे, हो कौन, वो भी भूल जाओगे, आप कौन हो आप, वो भी भूल जाए, और आपके जीवन के अंदर से पवित्र आत्मा का सुगंध आएगा, सुगंध, और उस सुगंध में Yeshua. स्वर्गदूत लोग नाच रहे हैं, वो बिटिया ताली बजा रहे, वो नाच रहे हैं। कितना महान है प्रभु, सबसे महान है प्रभु, सबसे महान
सबसे महान हे प्रभु। ओ 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 ओ। स्वर्गदूत लोग जा रहे हैं, तेरे लिए काम करने जा रहे हैं, तेरे लिए काम करने जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं, हमें जा रहे हैं। तेरे घर के अंदर है वो स्वर्गदूत लोग, तेरे घर के अंदर है, तेरे घर की परिस्थिति बदल रही है इस वक्त। हाँ, आप बैठिए, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। वो पुलपिट नहीं चलाऊं। हाउ ग्रेट, बच्चों को संभालना सर, फिर एक बार कह रहा हूं, बच्चों को प्लीज संभालो, ये गार्डन नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। देखिए, अगर आप देखोगे ना, हमारे चर्च के सब बच्चे मुझे मिलने आते हैं, सब, एक भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये समय बच्चों का नहीं है, ये समय आपका है। कितना महा है, छोड़ उसे, सबसे महा है प्रभु, सबसे महा, सबसे महा है प्रभु। ओ यस, एक्चुअली ना आप लोग मुझे धक्का दे रहे हो, आपका भूख, आपका प्यास मुझे धक्का दे रहा। मैं जो आज आपसे शेयर करूंगा ना, ये नॉर्मली मैं नहीं करता। मैं एक्चुअली एक दुष्ट आत्मा के बारे में बात करने वाला था, जिसे विद्रोह का दुष्ट आत्मा कहते हैं, जो चर्च को तोड़ता है। लेकिन आपकी जो भूख और प्यास सोचकर समझकर मुझे आज लग रहा है, मैंने पवित्र आत्मा के बारे में ही तुमसे बात करना है। ताली बजाने तो बजा लो, कोई प्रॉब्लम। और कभी अगले बार मौका मिला तो ये विद्रोह के आत्मा को भी हम लोग मिल लेंगे यीशु के नाम में। आमेन नहीं बोल रहे हो? जो विश्वास योग्य होता है ना प्रभु के लिए और अपने परिवार के लिए और प्रभु के घर में और अपने काम के जगह पर, वो विद्रोह के आत्मा से कभी डरता नहीं है। वो yes. उसके आंखों में आग डालकर वो उसे कहेगा, यहां नहीं चलेगा, बाहर जा यीशु के नाम में। थोड़ा जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि इस घर में फिर एक बार कोई भी प्रकार का विरोध ना हो, 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 क्योंकि तू बंजर जमीन में जाके गिरेगा। तुझे पता नहीं जो विरोध विद्रोह करते हैं उनका हालत क्या होता है। प्रभु ने दुकान खोलने नहीं कहा है, वो कह रहा है मेरा कलीसिया है, मैं जानता हूं कैसे बांधना है। मेरे साथ में हो? सारे मेरे साथ में हो या? आपको क्या चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बात करूं या विद्रोह के बारे में बात करूं? आप मुझे बोलो,
हाँ, दोनों रात निकल जाएगी आपके। हाँ जी, चलेगा नहीं? कल मेरा 4 बजे अपॉइंटमेंट है प्रभु के साथ, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ सर जी? ये लो, बिठाओ उनको नीचे, बिठाओ बिठाओ, चेयर दो। पिए हुए आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना, पता है, क्योंकि वो सपना देख रहा है, स्वर खुला हुआ है, प्रभु बात कर रहा है, कुछ हो रहा है, यीशु के नाम में हो रहा है। प्रेरित का कार्य 2:17 में लिखा है, मैं मेरे आत्मा को मेरे लोगों के ऊपर उंडेलूंगा और वो सपने देखेंगे, वो दर्शन देखेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे यीशु के नाम में। मैं रखा बंद आखा। चलो मैं विद्रोह के बारे में बात करता हूं, आखिरी में तेल लगा ही देंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा ना पॉलिटिक्स में भी है, लेकिन अब बहुत काम कर रहा है जबरदस्त चर्च के अंदर। पॉलिटिक्स ठीक है, ये पार्टी तोड़ना, वो पार्टी तोड़ना, ये पार्टी तोड़ना, लेकिन प्रभु का घर टूटना नहीं है। आमेन, आमेन। हेलो, प्रभु का घर नहीं टूटना है। बाजू वाले से बोलना, प्रभु का घर नहीं टूटना है, प्रभु का घर नहीं टूटना है, प्रभु का घर। तेरा परिवार नहीं टूटना है, तेरी शादी नहीं टूटनी है, तेरे बच्चों ने टूटना नहीं है, तेरे काम के जगह पर विद्रोह नहीं करना है तूने। मेरे साथ में हो सब लोग, मेरे साथ में हो ना। पहला कुरिन्थ 4:2, First Corinthians 4:2 पढ़िए बेटा। पहला कुरिन्थ 4:2, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है या कि वह विश्वास योग्य हो। सब लोग बोलो विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य हो ना, थोड़ा जोर से बोलो विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहो, थोड़ा जोर से बोलो विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहो। नो विद्रोह, नो विद्रोह, कोई विद्रोह नहीं, कोई भी विद्रोह नहीं, कोई भी विद्रोह नहीं, बोलना नहीं, नहीं नहीं ना, थोड़ा जोर से बोलो नहीं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जोर से बोलो नहीं, नहीं नहीं नहीं। आपको बताइए चर्च में आप कैसे आए हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको, आमेन 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 हालेलुया आमेन 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 ना, थोड़ा जोर से ताली बजाकर, थोड़ा जोर से ताली बजाकर। सुनो, आप एक पेड़ के जैसे हो और प्रभु ने आपको इस घर में रोपा हुआ है ताकि तू इस घर में वो पेड़ बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और उसमें फल आए। आमेन, आमेन। अगर तुझे जाना है ना, सुनना अब मैं क्या कह रहा हूं, जो दूसरे पेड़ लगे हुए ना, उनके जो रूट्स होते हैं जड़, वो तूने ढीले नहीं करने हैं। यस, यस, आमेन। तुझे जाना है ना, तू जा। यस, लेकिन जो दूसरे लोगों को प्रभु ने रोपा है इस घर में, उनके जड़ों को तूने बाहर नहीं लाना है। हालेलुया, थोड़ा जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करो। आमेन, आमेन।
आपको पता है स्वर्ग में अच्छी तरीके से शैतान प्रभु के साथ चलता था। एक दिन विद्रोह किया तो प्रभु ने उसे विद्रोह करने वाला का यही हाल होने वाला है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? कोई आमेन नहीं बोल रहा है? आप मत करना। Amen. 5 साल के बाद भी मैं आऊंगा ना, आपके बच्चों ने यहीं रहना है। आपके बच्चों का शादी यहीं होना है यीशु के नाम में। मुझे पता नहीं मैं वापस आऊंगा या नहीं, वो तो प्रभु ही जानता है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, ये कलीसिया अगले पीढ़ी में जाए यीशु के नाम में। थोड़ा जोर से ताली बजाकर, थोड़ा जोर से ताली बजाकर, हालेलुया, हालेलुया। सेवियो जी ने बोला ये 3 दिन का मीटिंग ना मैंने प्रभु से कहा है मेरे लिए देना, तो मैंने बोला ठीक है, ये लो थोड़ा और लो। अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, कुछ स्टेप बताना चाहता हूं, विद्रोह के स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहला कदम विद्रोह का, इंडिपेंडेंट स्पिरिट, आत्मनिर्भर आत्मा। हाँ, इंडिपेंडेंट यानी सब लोग बोलो इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर बराबर है क्या? सब लोग जोर से बोलो आत्मनिर्भर। ना थोड़ा जोर से बोलो आत्मनिर्भर। अगर एक पत्नी ने अपने पति से कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी, तो पति को क्या आएगा? गुस्सा। हमें नहीं बोल रहे हो? Yes. काम पे अगर आप गए, आप कहोगे मुझे जो करना है मैं करूंगा, आपके बॉस को क्या आएगा? ना, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आत्मनिर्भर लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें जो करना है हम करेंगे, हम चर्च आएंगे लेकिन हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसा नहीं चलता। आमेन। आमेन। ऐसा नहीं चलता। आमेन। ऐसा नहीं चलता। फिर पास्टर जी कैसा चलता है, ये चलता कैसा है? साम 95 वर्ड 7, भजन संहिता 95 में 7, साम 95 वर्ड 7, भजन संहिता 95 में 7, इट सेज, वहां लिखा है, यू आर द शीप ऑफ हिज पास्चर, तुम प्रभु के भेड़ हो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? आमेन। तू प्रभु का भेड़ है। Man. अच्छा सुनो, आपने कभी ऐसा देखा है क्या, एक चरवा जा रहा है और उसके पीछे 20 भेड़ जा रहे हैं, मैं मैं, देखा है या नहीं? हाँ या नहीं बोलो, हाँ या नहीं, हेलो। अच्छा, प्रेज गॉड। वो उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उसका मालिक है। मैं उसको बोलूंगा ना, वो आएगा क्या? वो देखेगा मुझे, ऐसा देखेगा, मैं तुझे पहचानता नहीं, मेरा मालिक ये है। Amen, 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 hallelujah, amen, hallelujah। आप भेड़ हो, सांप नहीं हो। Amen, 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 amen। आप भेड़ हो, सांप नहीं हो। Amen। आप भेड़ हो, सांप नहीं हो। आपने कभी ऐसा देखा है क्या, एक आदमी जा रहा है उसके पीछे 20 सांप जा रहे, कभी देखा है? क्योंकि सांप कभी उसके पास मालिक नहीं होता है। Amen, yes, yes, हेलो, हेलो। अगर पास्टर जी ने बोला कि हम 3 दिन फास्टिंग करने वाले हैं, तो आप जिसके अंदर इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर आत्मा होता, वो बोलता है मैं तो शनिवार को ही फास्टिंग करती हूं। बाजू वाले बोलना ढेंटड़ा। कोई आमेन ना बोलो। हेलो, आमेन, हेलो, आमेन, हेलो, आमेन, हेलो। अच्छा सुनो सुनो, मैंने कह रहा हूं, अभी देखो शास्त्र क्या कहता है। रोमन चैप्टर 16 वर्स 15, रोमियो 16 में 15, रोमन 16 वर्स 15, रोमियो 16 में 15, रोमन 16 वर्स 15, पढ़िए बेटा। फिलिलगुस और यूलिया और नेरियस और उसकी बहन, नहीं नहीं 16 में 15, 16 में 15,
15 ही है, क्या बात करे, पढ़ो। फिलिलगुस और यूलिया, हाँ, और नेरियुस और उसकी बहन, हाँ, और उलंपास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। ना 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 ना, 16 16 16, रोमन 16, रोमन 16, एक मिनट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन 16 17, ओ हाँ 17, थैंक यू पास्टर जी। अब हे भाइयों, हाँ हे भाइयों, हेलो कोई, आमेन, हालेलुया, भाइयों ने बहनों भी, आमेन, हे भाइयों और बहनों आवाज दो, तेरे कलीसिया को तूने संभालना है, आमेन, जैसे तू तेरे परिवार को संभालता है ना, ये तेरे बापू का परिवार है, ये तेरे यीशु का परिवार है, ये यीशु ने बांध रहा, यीशु बांध रहे इसे, आमेन, आमेन, हाँ बोलिए। अब हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ, कि जो लोग, हाँ, जो लोग, एक मिनट, हाँ, कौन, जो लोग, आगे आगे आगे, उस शिक्षा के विपरीत, हाँ, जो तुमने पाई है, हाँ, फूट डालने, बस 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 बस, क्या डालने, फूट ना, थोड़ा जोर से बोलो, फूट डालने ना, पीछे के लोग बोलो, क्या क्या क्या, फूट डालने। आज से इस कलीसिया में फूट नहीं होगा यीशु के नाम में, आमेन। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तेरी जिम्मेदारी है, yes, क्योंकि तू घर में रह रहा है, आमेन। जब वो आत्माएं आते हैं ना, उनसे कहना यहां पर एंट्री तेरे लिए नहीं है, आमेन। क्यों एंट्री नहीं है, उसे कहना यहाँ पर सिर्फ विश्वास योग्य लोग रहते हैं, विश्वास योग्य लोग रहते हैं यहाँ पर, इसमें इस प्रभु के घर में विश्वास योग्य लोग रहते हैं यीशु के नाम में। Amen. अगला वचन पढ़ो, जो तुमने पाई है फूट डालने, अगला वचन, नेक्स्ट वर्ड्स, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, हाँ, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। आपको चर्च के बारे में गुड़मुड़म 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 फड़फुड़म गड़ाबुड़म गड़ागुड़म गड़ागुड़म, उसको बोलना तू किसकी सेवा कर रहा है, तेरे खुद के पेट की सेवा कर रहा है, चल बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर। अब मुझे पता है आप में से कुछ कुछ लोगों ने गलतियां की है, मैंने भी की है, लेकिन आज हम पश्चाताप करने वाले हैं, आमेन, हम प्रभु का काम नहीं तोड़ेंगे, आमेन, क्योंकि प्रभु कह रहा है ये मेरी कलीसिया और मैं इसे बांध रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। थोड़ा जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया। आगे 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 आगे, हाँ, और चिकनी चुपड़ी बातों से, चिकनी चुपड़ी चुंडा, जो गए ना वो यही किया उन्होंने, और जो यहां पर बैठे ना तुम लोगों ने वो नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए, जा, हाँ, इतना चिकना दे रहा हूं ना मैं, चिकना खाना, बोला तू खा, गेट आउट, बाहर जा, तू बाहर जा यीशु के नाम में, बाहर जा, गेट आउट ना, आमेन, गेट आउट। हाँ पास्टर जी, गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है, बांधने का अच्छा, Amen. और मैं जो सिखा रहा हूं सिखाने का, Amen. नहीं तो आया आएगा, नहीं 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 नहीं, ए म्यूजिक देना अच्छा ला, संभालना, बिल्कुल नहीं, मैं जो सिखा रहा हूं सिखाने का, Amen. ये बोलने से नहीं होता है, उठाओ विश्वास की ढाल वचन, उठाओ तलवार वचन, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, आमेन, डर मत, आमेन, हालेलुया। किसे डरते, किसे देख के डरता है, लोग भाग जाएंगे चर्च को छोड़कर, किधर भागने वाले, उनको बोलो जाके आओ 2 महीने तुम फ्री हो, जाएंगे ना आधे बाल निकल जाएंगे फिर आएंगे वो जो छोटा बेटा है ना, उसके पापा को क्या बोला, मेरा सब दे दो मैं जा रहा हूं, और गया,
और उसके बाल इतने गए, फिर याद कर रहा था मेरे पापा के घर कितना जाम। तू नहीं जा रही है ना? हा? मेरे साथ में हो? यस। अच्छा सुनो, भविष्यवाणी सुनना है, सुनना है या नहीं बोलो? ये जो कुछ कुछ गए ना, वो वापस आने वाले, उस बेटे के जैसा वापस आने वाले हैं। अरे जोर से बजाना, बजा 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 बजा। तो जब वो आएंगे ना, ऐसा मत बोल, मुझे पता था तू आने वाला है, क्योंकि पास्टर विजय ने बोला था तू आएगा। ना ना ना, गले को हाथ उठाओ, बोला आजा 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 आजा, मुआ, मुआ। बोलेगा लेकिन मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत गलतियां। नए कपड़े पहन, आमीन आमीन आमीन। अंगूठी ले, आमीन। चप्पल ले, आज से वापस तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है यीशु के नाम में। Come on! बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आप आपके बेटी को देख रहे हो क्या? या नहीं आपकी बेटी? नहीं, मेरे साथ में रहना। मैं एक्चुअली आपको, मुझे पता नहीं आपको समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वार कर रहा हूं। Yes. Amen. क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे यहां काम कर रहा है, मुझे पता है। Yes. वो छुप के बैठा रहता है। आपको पता है क्या, इज़राइल के ऊपर जो हमला हुआ ना, उसे कहते हैं अंबुश अटैक। अंबुश यानी छुपना और सडनली हमला करना। Yes. अचानक हमला। हाँ, करना। और ये छुप के बैठा है, ये हमें लल्लू बनाता है, ऐसा छुप के कोने में बैठा रहता है। Yes. पूरा इज़राइल सो रहा था, तुम नहीं सोओगे यीशु के नाम में। Amen. मैं तुम्हें जगाने आया हूं यीशु के नाम में, मैं तुझे जगाने आया हूं। आमीन। राइज अप। आमीन। सोना नहीं है। Amen. अगले बार वार नहीं होगा। आमीन। 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 और अगर तुझे पता चला ना कुछ काम चल रहा है, जैसे पहला कुरिन्थ पहला पढ़ो, वहां पर बाइबल कहता है एक परिवार, कौन सा परिवार है? क्लोए। हाँ, क्लोए का परिवार। उन्होंने बोला, हे पॉल, यहां पर ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप कुछ भी सुनते हो ना, सीधा पास्टर जी को बताने का। Yes. नहीं बताओगे ना, वो आएगा जो छुपा हुआ। तू मेरा नया दोस्त हो गया अबे, कितना प्यारा है तू, तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। यहां का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस्तेमाल। Come on! अगले बार ड्रम्स लीजिए पास्टर, ड्रम्स लीजिए, ड्रम लेना। अच्छा, जबरदस्त बजाने का। कोई आमेन नहीं बोल रहा? बैंड बजाने की। हाँ आमेन। हमास 3000 लोगों को अंदर घुसाया उसने, और ये लोग त्योहार मना रहे थे। क्या रे, क्या त्योहार मना रहा है? हाँ? तुझे पता नहीं 3000 घुसे? Yes. क्यों घुसे पता है क्या? क्योंकि प्रभु की जो सुरक्षा थी ना, वो निकल गई थी। Yes. Yes. मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में जो भी छेद है वो भरा जाए यीशु मसीहा के नाम में। इस कलीसिया में जो भी छेद है उसे प्रभु भर दे यीशु मसीहा के नाम में, ताकि कोई भार का अंदर ना आए और अंदर का भार ना जाए। आमीन। मासाका मारा खाबा। रायपुर को बहुत चाहता है ना तू, पता नहीं तेरे दिन
गिनना शुरू कर शायद। आप लोग हंस क्यों रहे, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। गरा माखा मासा मराके मारा सोठो मोरा बंथा खबा सोरा खा अरा खबा। अब इज़राइल कह रहा है हमास को, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। वो ठीक है, अरे मारा ना, लेकिन इसलिए पौलुस कहता है बी अलर्ट एंड प्रे, सतत रहो प्रार्थना करो। यीशु के नाम में आमेन आमेन। मेरे साथ में हो ना, मुझे पता है कोई कोई लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो अगले बार नहीं आएंगे ये चर्च में। हाँ, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है ना जिसके अंदर स्पिरिट ऑफ एरर होता है, एरर पता नहीं क्या बोलते हैं आप हिंदी में, गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती, वो बॉस होते हैं और वो बहकाते हैं लोगों को, गुमराह करते। लेकिन आज ऐसा वार होने वाला है, ऐसा वार हो रहा है यीशु मसीहा के नाम में, ऐसा वार हो रहा है कि वो जाएंगे यीशु के नाम में। गो नाउ, आमेन आमेन। थोड़ा जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति कीजिए यीशु मसीहा के नाम में। सुनो, ये जो पास्टर जी है ना, उनको प्रभु ने बुलाया है। आमेन आमेन नहीं बोल रहे हो? बुलावट प्रभु से है, अभिषेक प्रभु से है, और आपको प्रभु ने उनके हाथ में दिया है, ये परिवार प्रभु ने उनके हाथ में दिया है यीशु के नाम में। तो उनके दिल के साथ आप जुड़े रहो। आमेन। आप कहोगे पास्टर जी हमारे पास्टर बहुत गलतियां करते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर बुलावट है, मेरे ऊपर तेल है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप पसंद नहीं हो, ठीक है ब्रदर, एक काम करो, अकेला आप जाकर दूसरा कोई चर्च ढूंढ लो, अकेला जाओ, पास्टर को बोलो धन्यवाद और जाओ, तू ठीक रहेगा। अगर दो लोगों को लेके गया, मैं तुझे कहता हूं तू फिनितो स्टाइल में बोलता हूं अभी, फिनितो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है, क्या हुआ? हाँ सच्चाई है। आप लोग सब मेरे साथ में हो? आपके हृदय पास्टर जी के साथ जुड़े रहे यीशु के नाम में, और मैं प्रार्थना करता हूं समझ की आत्मा आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीहा के नाम में, ताकि जब वो कुछ कहे तुझे समझे यीशु के नाम में। नंबर दो, दूसरा, कुछ सीख रहे हो? ना वापस एक बार मैं पूछ रहा हूं, कुछ सीख रहे हो? नंबर टू दूसरा, बुरा लगना, ऑफेंस, बुरा लगना। कलीसिया को छोड़कर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको बुरा लगा है। हाँ ठीक है, आपका ट्रांसफर हो गया यहां से भिलाई, आप जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी बुलाया हुई है भिलाई, कोई आमेन नहीं बोल रहा है? लेकिन बहुत सारे लोग चर्च क्यों छोड़ के जाते हैं पता है? क्योंकि उनको बुरा लगा है। yes. और लूका 17 और पहले अध्याय में प्रभु ने कहा है ऐसा असंभव है कि तुझे बुरा नहीं लगेगा। yes. क्या है? असंभव है। सब लोग जोर से बोला असंभव है, है। ना थोड़ा जोर से बोला असंभव है, असंभव है। इसका मतलब बुरा लगेगा, बुरा लगे। अच्छा यहां पर ऐसा कोई भी परिवार है जिसको उसके परिवार में कभी बुरा नहीं लगा? कोई भी परिवार है? प्रेज गॉड, आपके परिवार में आपको बुरा लगता है, लेकिन आप आपके परिवार को छोड़ के नहीं जाते, पता है क्यों? अगर छोड़ के जाओगे तो जमीन जायदाद पैसा किधर जाएगा? कोई आमेन नहीं बोल रहा है? यहां पे एकदम आराम,
मुझे बुरा लगा तो मैं, आपके चर्च का नाम क्या है, करिश्मा फैमिली फेलोशिप को छोड़कर मैं चली न्यू लाइफ में, और वो पास्टर आनंदित होता है, आ नया भेड़ आ रहा है, आ जा 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 जा। आपको